वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर बिंद कुमार। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्लास 12 बायोलॉजी टॉपिक, व्हाट इज ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज ब्लड कैंसर? इट इज ए कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन मैरो। ब्लड कैंसर में ये जो ब्लड एबनॉर्मल टिश्यू डेवलप हो जाता है उसमें हीमोग्लोबिन परसेंट बिकम वेरी लेस। ब्लड कैंसर जो सफर करते हैं पर्सन उसमें 4 ग्राम 5 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ALL, सेकेंड एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया AML, थर्ड क्रॉनिक लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया CLL। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। नाउ व्हाट आर द काउजेज ऑफ ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर क्यों होता है, क्या कारण है ब्लड कैंसर का? तो ल्यूकेमिया स्टार्ट्स व्हेन द DNA ऑफ ए सिंगल सेल इन बोन मेरो चेंजेज। ल्यूकेमिया शुरू होता है जब DNA का सिंगल सेल बोन मेरो में ये चेंजेज होने लगता है एंड म्यूटेशन अकर। व्हाट इज म्यूटेशन, ये उत्परिवर्तन क्या है? म्यूटेशन इज ए सडन चेंज इन रिटेंस ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, पोजिशन ऑफ क्रोमोजोम। ये जीन में चेंजेस हो जाने के चलते ये म्यूटेशन होता है एंड कैन नॉट डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। और ये ब्लड कैंसर जो सफर करते हैं इसमें जो सेल है ये नॉर्मली डेवलप नहीं करता है और अपना काम भी अच्छी तरह से नहीं करता है। नाउ व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर का कौन कौन से लक्षण है? फर्स्ट फैटिक, थकावट होता है बहुत ज़्यादा, वेट लॉस, वजन कम हो जाता है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, इजी ब्लीडिंग और बॉडी में नोज ब्लीडिंग, एनल्स रास्ते से ब्लीडिंग होने लगता है, दैट इज कॉल्ड ब्रूजिंग, पेन इन द बोन और ज्वाइंट, ये बोन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, होल बॉडी पूरे शरीर में डिजनेस, ये थकावट अनुभव होने लगता है, फीवर रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है, स्पॉट ऑन स्किन और ये स्किन पर जहाँ तहाँ पर स्पॉट बनने लगता है, माउथ अल्सर, मुंह में घाव हो जाता है, पैलर बॉडी एंड नोज से भी ब्लीडिंग होने लगता है। नाउ व्हाट आर द टेस्ट विच कंफर्म ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को कौन टेस्ट हम पता कर सकते हैं? फर्स्ट CBC, सेल ब्लड काउंट। सेल ब्लड काउंट में WBC, RBC, प्लेटलेट के बारे में डिटेल स्टडी किया जाता है। WBC का जो है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल सबका नॉर्मल रेंज को देखा जाता है कि नॉर्मल रेंज में है ज़्यादा या कम है। एंड ये बोन मैरो टेस्ट